नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय रियलिस्टिक लाइफ ब्लॉग। आप सभी को गुड मॉर्निंग और राधे राधे। फ्रेंड्स, ये मेरे मॉर्निंग का समय है और यहाँ मैं प्लांट्स के साथ, जैसा कि मेरे रूटीन में है कि मैं कुछ समय तो यहाँ पर बिताती ही हूँ, और अगर हमें पूरे दिन के लिए जो है तैयार होना है एक नई एनर्जी के साथ, तो ये जो मॉर्निंग रूटीन है जो हम अपने लिए एक घंटा निकालते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए कुछ टाइम ज़रूर निकालें। पहले ये रूटीन मेरी नहीं थी जब मैं जॉब में थी, क्योंकि उस समय इतना टाइम नहीं था कि मैं पर्सनल कुछ एक्स्ट्रा अपने लिए टाइम निकाल पाऊँ। और जब आप जॉब में होते हो और एक लंबा समय आपने जॉब में काटा होता है, तो उसके बाद जो है जॉब छोड़ना एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता है, बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि आप उस एनवायरनमेंट में ढल चुके होते हो और फिर एक नई शुरुआत करना बहुत ही टफ होता है। ये बात वो लोग रिलेट कर सकते हैं जिन्होंने 10 से 12 साल जॉब की हो और वो एक अच्छे पोजीशन में हो और फिर उन्हें किन्हीं कारणवश जो है जॉब छोड़नी पड़ी हो। लेकिन सबसे पहले हमारी जो प्रायोरिटी है वो फैमिली होना चाहिए, और यदि हमारी प्रोफेशनल लाइफ के कारण हमारी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही हो, तो हमें जो है कहीं ना कहीं एडजस्ट करके हमें अपने लाइफ में जो है अगर पॉजिटिविटी लाना है तो हमें जो है सही डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि टाइम की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही हमें चलना बेहतर हो। और बस यहाँ पर अभी पार्सल वाला आया था, और जैसा कि हमें अभी टूर में जाना है तो मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ शॉपिंग की थी, तो वही शॉपिंग मैं यहाँ पर उनकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। समय के हिसाब से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बदलती रहती हैं और नए नए चैलेंजेस मिलते रहते हैं, उन्हें हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और पूरी कोशिश करना चाहिए अपना बेस्ट देने के लिए। फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।